हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। जो भी नए आएंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा चैनल। और उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत जो है हम 8 बजे कर रहे हैं। आज बहुत जल्दी ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम। और गाइस, आज जो है हम जंगल में आ गए हैं। देखो गाइस, जंगल ही ऊपर जंगल जंगल है। तो आज का मौसम थोड़ा अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन शाम को कोई भरोसा नहीं होता हिमाचल के मौसम का। तो गाइस, मेरे साथ आए हैं देखो बहुत बड़े अंशु। बहुत बड़ी हो गई है अंशु। अंशु, अरे मम्मा हाय कर दो। आई नहीं, मूड ही नहीं है इसका, हाय कर दो। तो गाइज, हम घर के पास ही आए हुए हैं, मम्मी भी आए हुए हैं। तो गाइज, आज जो है नाश्ते में मैंने खाया है कचौरी। तो कचौरी बनाई हुई थी गाइज, अभी सुबह तो नहीं बनाई थी, लेकिन शाम को बनाई हुई थी कचौरी वगैरह। तो वो खाई हमने चाय के साथ, और मम्मी ने तो वो भी नहीं खाया। मम्मा ऐसे आ गए हैं, नाश्ता नहीं किया हुआ है। तो गाइज, आप जो ठंडी लग रही है, धूप इतनी अच्छी पड़ी हुई है, लेकिन ठंड बड़ी बार लग रही है। तो गाइज देखिए, मम्मी चरा रहे हैं बकरियों को। तो गाइज देखिए, ज़मीन जो है पूरी गिल्ली है, नीचे रास्ता भी गिल्ला ही है, पाँव में जो है ना मिट्टी चिपक रही है गाइज। तो देखिए दोस्तों, देखिए गाइज, इधर से तो बड़ा मस्त दिख रहा है ना गाइज। हम घर के पास ही गाइज, देखिए हमारा घर पीछे से, ये देखिए। तो ये देखिए हमारी बकरियाँ, अच्छा डरते हैं गाइज, डोगी भी गए अभी। तो ये मम्मी है इधर, तो मम्मी के साथ आई हूँ मैं और अंशु। तो बकरियाँ घास खा रही हैं, बकरियों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो वो खा रही हैं। तो देखिए गाइस, एक बकरी नीचे, हाँ जी हाँ जी, तू सर भी बनाई है इंदे, तू सभी आई आण। गाइस हमारे पड़ोस के हैं, आज बकरियां भाग गई थी घर के पास, तो मम्मी फिर से चले गए उधर। ये देखिए, आज आज नहीं मारती मम्मा, आ रही आ रही आ रही आ रही आ रही आ रही आ रही। मैं भी खुद डरती हूँ, काली वाली बकरी से मारती है गाइज। गाइज अभी फाइट हो गई बकरी की और मेरी, वो मुझे मारने के लिए आई थी ब्लैक वाली बकरी। मेरा फोर फूट बंद हो गया था सब, ये मारती है, लेकिन जो व्हाइट वाली ना गाइज, ये मारती नहीं है। अंशु भी डर गई थी, अंशु गाइज अंशु भी ऐसी आ गया है, उसको अभी तक नहाया नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह ठंड हो रही है ना अभी। अभी 8 ही बजे हैं, कुछ ही जाने नीचे। बकरियां बहुत ज्यादा भाग रही है, क्यों भाग रही है भाई? मम्मी कैंत करना था उसी आगे ठा की। मम्मी लेके जा रहे बकरियों को आगे आगे आगे, जैसे क्योंकि बकरियां जो है ना गाइस, ऐसे पतला पतला घास खाते हैं। हाँ देख कैसे खा रही है, धीरे धीरे आप मम्मा, धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे आ गए। ओ चले गए ऊपर, गाइज वो क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हो गया इधर जो है। हम इधर सड़क में खड़े हुए हैं, और गाइज वो अंकल दिख रहे होंगे आपको, ऊपर चल रहे हैं रास्ते से। उनकी बकरियां आ रही थी गाइज, और हमारी दो ही बकरियां हैं, लेकिन उनकी बहुत सारी बकरियां हैं। और जो हमारी बकरी है व्हाइट वाली, तो उसने जो है उनको भगा दिया। अभी दादू भी परेशान हो गए बेचारे, वो ऊपर जंगल में कहीं तो भगा दिया उनको। और ब्लैक वाली बकरी तो इधर ही है नज़दीक, वो देखिए उधर दिख रही होगी। मम्मी भी जा रही है अभी पीछे पीछे, दादू जी बेचारे परेशान हो गए। चलो मम्मा आगे चलो, नानी के पास जाना भी हमने। गाइस कीचड़ है बहुत ज़्यादा रास्ते में, देखिए ये देखिए बहुत ज़्यादा कीचड़ कीचड़ हुआ है, क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी ना गाइस। तो ये भी रास्ता भी गिल्ला ही है, लेकिन कुछ कुछ जो है गड्ढे पड़े हुए हैं ना सड़क में,
तो इधर पानी पानी है। वाइट वाली बकरी भाग गई है, पता नहीं कहाँ चली गई, इधर तो दिख भी नहीं रही इतनी सारी बकरियाँ थी। ब्लैक वाली बकरी तो इधर ही है, और दादू भी चले गए ऊपर। मम्मी बुला रहे हैं, अब हाँ कहाँ आ जा, चलो आप आगे चलो चलो मम्मा चलो। हंसू भी जा रही नानी के पास। हाँ मैं आ रही हूँ, हाँ चलो। ये दिखेगा जी, इधर तो चारों तरफ जंगल जंगल दिखेगा। मम्मा कहाँ चले गए आप? गाय जो देखिए बेचारे दादू इधर। गाय जब मम्मी क्या करेगी, मम्मी की बकरियां ही भाग गई। मम्मी बुला रहे हैं उधर खड़े होके, देखिए धूप पड़ी हुई है। चलो चलो चलो, आ रही हूँ आ रही हूँ मैं, चलो 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 धीरे धीरे मम्मा। गाइज पहाड़ों में क्या करते हैं कि जैसे बकरियां भाग जाती है ना कहीं जंगल में ऊपर, तो मतलब ये बुलाने का तरीका होता है। मैं दिखाऊंगी गाइज आपको जो है एक नया तरीका। हमारी बकरियां भागती थी जब हम छोटे, तो हम भी ऐसे ही करते थे, लेकिन अभी गाइज बस चली गई है। देखिए रुक जा मम्मा, आगे बकरी है। आई नहीं मम्मा। गाइज देखिए ये वाले जो है, ये बहुत ही अच्छा तरीका है गाइज बकरियों को बुलाने का। तो देखिए कुछ भी नहीं है इसमें गाइज, जैसे पत्ते होते हैं ये दो, आपको किसी पेड़ का भी पत्ते ले सकते हैं। अब करना मामा, ये देखिए गाइज, ये देखिए गाइज कैसे आवाज आ रही है, तो ऐसी डरती है बकरियां जो है। ये देखिए ये देखिए गाइज, मम्मी ना बहुत जोर जोर से आवाज भी लगा रहे, लेकिन वो बकरी काबू में नहीं आ रही गाइज, ऊपर भाग गई है जंगल में। और एक है हमारे पास ये काली वाली ना, मम्मा पीछे आ जाओ आप। वो दादू भी बेचारे परेशान हो गए, कहाँ चली गई उनकी बकरियां, तो बहुत सारी हैं, कम से कम 10-12 बकरियां हैं। पीछे आ जा मम्मा, बकरी ने आ जाना। ये तो बुरा कोप हो गया आज भी। इस साइड में चल मम्मा, बकरी आएगी। ओहो उधर भाग गई, उधर भाग गई बकरियां गाइस। देखियो उधर कहीं तो दिखी मुझे अभी, वाइट वाइट। अब क्या करेंगे वे? चलो मामा आगे चलो। फाइनली गाइज हमारी बकरी जो है आ गई, और दादू की बकरियां चली गई कहीं ऊपर। तो दादू तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे, मम्मी को बहुत ज़्यादा बोल रहे थे कि आपकी बकरी ने मेरी बकरियां ही भगा दी गाइज, क्योंकि वो बेचारे तो मतलब क्या बोलते हैं उसको, हड्डियों में जोर भी नहीं है, इतने से मतलब बुड्ढे हो गए हैं, और पूरे जंगल में उनको घुमाया बकरियों ने। तो गाइज हमारी बकरियाँ फाइनली अलग हो चुकी है, और दोनों चुग रही हैं, और इधर मम्मी बैठ गए हैं थक गए हैं, और इधर गाइज देखिए अंशु, अंशु गाइज अंशु कैसे बैठी हुई थक गई अंशु भी। तो गाइज देखिए हमारी बकरियां जो है ऊपर चुगा रही है। ये गाइज दोनों बकरियां भी अलग से चुग रही है। ये व्हाइट वाली तो बहुत शैतान बकरी है हमारी मम्मी की देख रही है फिर भी ऊपर को, दादू कहीं ऊपर चले गए हैं, अभी दिख तो नहीं रही है इधर से। तो बस गाइज अभी थोड़ी देर चुगाएंगे इनको, फिर घर लेके चले जाएंगे, क्योंकि अभी बहुत हो गया, अभी ना हमें भी भूख लगने पड़ी, और घर में जाके नहाएंगे धोएंगे, क्योंकि कल जो है ना गाइस मैंने जो है वो तेल लगाया हुआ है, तो इतने पतले दिखते हैं तेल लगा के, बहुत सारा तेल लगाया था चोटी में, तो फिर चोटी बनाई थी अच्छे से, तो अभी तक भी इतना पक्की है, तो
तो हेयर स्टाइल भी बनाया था गाइस, भाभी ने देखिए ऐसा कुछ हेयर स्टाइल बनाया हुआ था, खुलता नहीं है। तो कैसे लगते हैं दोस्तों मेरे ब्लॉग जो है, थोड़े बहुत भी अच्छे लगते होंगे तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिएगा मुझे और आगे बढ़ाइएगा दोस्तों, यही उम्मीद है आप सभी से और आपको मेरे से कि मतलब दिन प्रतिदिन अच्छा से अच्छा ब्लॉग देखे हम मेरा मतलब। तो गाइस मैं रील भी बनाती हूँ और यूट्यूब में भी बनाती हूँ ब्लॉग। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, बाय बाय।